हे वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश विद तो फ्रेंड्स आज सीखते हैं हम एक और अलग था कि स्ट्रक्चर लाइक पैसे कमाना कहना आसान है करना नहीं कार खरीदना कहना आसान है करना नहीं जल्दी उठना कहना आसान है करना नहीं तो इस तरह की स्ट्रक्चर कैसे बनती है चलेगा इस देखते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह की स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप पहले आपको स्ट्रक्चर दी जाती है इट इज ईजियर सेट देन डन इसका मतलब होता है कि बोलना आसान है करना नहीं कहना आसान है करना नहीं ठीक है इस तरह का आपको सेंटेंस बोलने या सुनने को मिलता है कि यार ये तो कहना आसान है करना नहीं ठीक है बोलना आसान है करना नहीं तो पहले एक एग्जाम्पल देखिए आपको उससे क्लियर होएगा पैसा कमाना कहना आसान है करना नहीं ठीक है इसको इंग्लिश बोलेंगे मेकिंग मनी इज ईजियर सेड देन डन ठीक है अब पैसा कमाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेक मनी ध्यान करिएगा और आई एन जी क्यों लगाए क्योंकि पैसा कमाना एक सब्जेक्ट है और जब वर्ब को जब सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई एन जी लग जाता है ध्यान करिएगा जब वर्ब को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आई लग जाता है ठीक है तो मेकिंग मनी हो गया इज इजियर सेड डन ठीक है और जब ये मेकिंग मनी हो गया ना आई लगाया अपने वर्ब में तो एक जेरंड कहलाता है ध्यान करिएगा जेरंड ठीक है तो मेकिंग मनी इज इजियर सेट देन डन ठीक है कार खरीदना कहना आसान है करना नहीं तो कार खरीदने क्या बोलते हैं बाइंग ए कार ठीक है तो बाइंग ए कार इज इजियर सेट देन डन ठीक है तो कार खरीदना एक सब्जेक्ट हो गया तो बाइंग ए कार हो जाएगा इज इजियर सेट देन डन ठीक है इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनानी है एग्जाम्पल देखिए जल्दी उठना कहना आसान करना नहीं जल्दी उठने को बोलते हैं आप गेटिंग अप अर्ली ठीक है गेट अप पे आई एन लगा तो अर्ली इज इजियर सेट देन डन ठीक है घर खरीदना कहना आसान है करना नहीं तो घर खरीदने क्या बोलते हैं बाई ए हाउस ठीक है, है? आई लगा वर्ब को सब्जेक्ट बनाया आई एन जी लग के फॉर्म बनाया और इज इजियर सेट देन डन इस तरह बनानी है आपको आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गई होगी एंड इस तरह वीडियो इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए and thanks for watching.